दोस्तों, ओमिक्रॉन मामले को देखते हुए जल्दी ही फिर से लॉकडाउन लग सकता है महाराष्ट्र में। जी हां, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि भारत में अगर सबसे अधिक मामले किसी राज्य में हैं तो पहला नंबर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक जो कि आप केस देख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में इस समय सबसे अधिक केस हैं, जिसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली है। लेकिन सबसे अगर खुशी की बात है किसी राज्य के लिए तो वो उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय किसी भी तरीका का कोई भी ओमिक्रॉन वायरस का कोई भी केस अभी एक्टिव नहीं है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बाहर से जितने भी मामले आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर विदेश से यात्राएं करने वाले यात्री में सबसे अधिक केस मिल रहे हैं, और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अब पूरी शक्ति बरतने पर लग चुकी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही अब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अब इस मामले से भारत सरकार कैसे निपटती है। इधर क्योंकि महाराष्ट्र में एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी पर जुट चुकी है सरकार, लेकिन जिस रफ्तार से केस आ रहे हैं ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के, उस दौरान अब देखना और भी ज़्यादा काफ़ी वैसा हो चुका है, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने में जितने भी यात्री आ रहे हैं सभी की चेकिंग कठोरता से की जा रही है। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को बताया है कि जितना हो सके अपने आप को और अपनी फैमिली को सेफ कीजिए, क्योंकि आज है तो कल है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताइए।